있습니다. 라디오야, 카스야, एयर फ्रेशनर दे दे। कितने का है? 60 रुपए का। 60 रुपए का। जो चीज मुझे अच्छी लगे उसके सारे रास्ते मेरे दिल में आ जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? रिपोर्ट लिखवाने आए हो? हाँ सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तुम दोनों के साथ हुई है या सिर्फ तुम्हारे साथ? ओ, मेरा मतलब है कि किस किस्म की ज्यादती हुई है? उस हमें सरेआम मेरी बहन को पकड़कर गले लगाया और चूमा। आगे जो कुछ हुआ मुझे कहते हुए शर्म आती है। कौन है वो जिसने इतनी खूबसूरत लड़की को
सरेआम रेप करने की कोशिश की है। लोगों ने बताया है कि वो बदनाम गुंडे दाऊद का भाई है, नाम उसका अब्दुल्ला है। क्या, दाऊद का भाई अब्दुल्ला? पेत्री इसी में है, सब कुछ भूल जाओ, उसके खिलाफ रिपोर्ट मत लिखवाओ। कैसे भूल जाए, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो? हम शिकायत लेकर आए हैं, रिपोर्ट लिखने की बजाय हमें कहते हैं कि भूल जाए, ये कैसा कानून है? जुल्म के हाथ बहुत मोटे हैं, और मोटे हाथों के लिए ये हथकड़ियां बहुत छोटी हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ ये फाइलों के ढेर लगे हैं, लेकिन कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज बादशाह है, हर कोई नाजायज कारोबार करने से पहले सिर्फ दाऊद से इजाजत लेता है। तुम शराब और जुए का अड्डा सिर्फ दाऊद की इजाजत के बगैर कैसे चला रहे हो? जाओ जाकर दाऊद से कह दो कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, इजाजत वो मांगते हैं जिनके बाजुओं में ताकत ना हो। दाऊद के शहर में जंग ताकत की नहीं बारूद की होती है। आप फिक्र ना करें दाऊद सेठ, ये थाना आपका घर और मैं आपका मुलाजिम हूं। ऐसी कस के रिपोर्ट लिखी है, मारने वालों को नहीं मरने वालों को सजा हो जाएगी, कब्र में भी हथकड़ियां लगवा दूंगा। कमांडर। यस सर। दाऊद सेठ के किसी आदमी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। बेहतर सर। नोच रहे हैं शाम सहर सुन धरती का बदन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन, खून के आंसू इनके हाथों, रोता है पाक वतन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन। बम फटते हैं गिरजाघरों में, मस्जिद में चलती है गोली, बम फटते हैं गिरजाघरों में, मस्जिद में चलती है गोली, खेल दरिंदे जब जी चाहे मासूमों के खून से होली, खेल दरिंदे जब जी चाहे मासूमों के खून से होली, बुझी बुझी है हर एक सूरत सहमी हर धड़कन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन।
जब हो इलेक्शन चेहरा बदल के वोट ये मांगने आते हैं। जब हो इलेक्शन चेहरा बदल के वोट ये मांगने आते हैं। झूठे वादे करके हमसे फिर धोखा दे जाते हैं। झूठे वादे करके हमसे फिर धोखा दे जाते हैं। कर देना बर्बाद कहीं ये पाइब का चमन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन। नोच रहे हैं शाम सहर सोनी धरती का बदन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन, अमन के दुश्मन। दौलत सेठ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, क्या चलेगा? काली, इन सब ताजरों को बोल दो 7 दिन के अंदर अंदर ये प्लाजा खाली कर दें। अगर किसी ताजर ने प्लाजा खाली ना किया तो वह अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। कुछ देर इंतजार कर लो दौलत सेठ, इस प्लाजे का केस अदालत में चल रहा है और अदालत जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। अदालत वही फैसला करेगी जो दाऊद शेख चाहे। भोकाला की बहस और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत ये फैसला करती है कि प्लाजा का कब्जा सेठ दाऊद को दिया जाए। क्या बात, आज नाश्ता के बगैर जा रहे हो? जी नहीं चाहता भैया, आज मैंने सुबह जूस पी लिया था। लगता है तुम्हारे मेदे में काफी गर्मी हो गई है, जरातों को जागना बंद कर दो। और हाँ, मैंने अमेरिका में तुम्हारा अकाउंट खुलवा दिया है, कब जाना चाहते हो? अमेरिका भी चला जाऊंगा भैया, आज थोड़े से पैसे चाहिए। थोड़े क्यों, जितने जी चाहे लो। ओ थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, आई लव यू। सेठ दाऊद लगता है बहुत प्यार करते हो अपने भाई से। अपनी जान से कौन प्यार नहीं करता, मुझे दुनिया में अब्दुल्ला से ज्यादा कोई अजीज नहीं। सनी, स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाना, आज सैटरडे नाइट है, ठेला भी जल्दी लगाना है। मुझे पता है इस मैदाबाजी कि आज तुम्हें लोगों से टिकट भी ज्यादा मिलेगी। सनी बेटा आओ नाश्ता कर लो, स्कूल का वक्त हो गया है, जल्दी आओ। अल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई को तालीम दिलवाना, माजूर बाप की खिदमत करना, इस घर का सारा बोझ तो जुबैदा के सर पर है। मेरी बेटी तो मशीन बन के रह गई है। माँ वाकई खिदमत करने से कोई मशीन नहीं बन जाता। माँ मेरे बस पे हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ इस आंगन में समेट लाऊं। जीती रहो बेटी, जीती रहो, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। हमारी तो हर वक्त खुदा से यही दुआ रहती है।
कि हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। लोग बेटों के लिए दुआएं मांगते हैं, मगर हमारे लिए तो तू कई बेटों से बढ़कर हो बेटी, कई बेटों से बढ़कर। बाबा, मेरा बेटा। बेटे, हमारे खेल का पेट भर गया है। साहब, 160 रुपए का बिल बना है। दुल्ला से पैसे मांगते हो, मरना चाहते हो? चल भाग यहां से। सनी, क्या हुआ सनी? बाजी ये पैसे दिए बगैर भाग रहे हो रामपुर? तूने हमें हरामखोर कहा? इस हरामजादे के हाथ पांव तोड़ दो। छोड़ दो मेरी भाई को। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साहब, इसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ये ना समझ जाए, इसे माफ कर दीजिए। हुस्न को मैंने कभी मायूस नहीं किया। अगर तुम कहती हो तो इसे छोड़ देता हूं। छोड़ दे इस हरामजादे को। तूने माफी मांगकर अच्छा किया जुबैरा। ये हरामी शहर के सबसे बड़े गुंडे दाऊद का भाई है, और दाऊद शैतान की वो औलाद है जो सबको तिकनी का नाच नचा सकता है। कली हूँ मेरा आशिक जमाना, आशिक
खेलता नहीं है कोई, खेल नहीं है दिल का लगाना, शोले निकलते हैं मेरे बदन से, दूर से देखो पोतनाना, ओए होए होए कच्ची कली हूँ मेरा आशिक जमाना, आशिक जमाना, जलती शमा हूँ मेरा काम जलाना, शोले निकलते हैं मेरे बदन से, दूर से देखो पोतनाना, पोतनाना, ओए होए होए कच्ची कली हूँ मेरा आशिक जमाना, आशिक जमाना। चलो हनी। कहाँ चले? खाना नहीं खाओगे डार्लिंग? नहीं, आज मैं खाना उस हरामजादी के हाथों का खाऊंगा जिसके भाई के खून में बहुत जहर भरा है। जी वो फिर कुत्ता आ गया है। हनी तुमने अपनी जुबान बंद रखनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना। मैं खाने नहीं, तेरे इस हराम सादे भाई का खून पीने आया हूं। एक गाली मत दे सनी। गाली ना दूं, गाली ना दूं, आज मैं तुझे गाली नहीं गोली दूंगा कुत्ते। सनी, सनी। भाग जाओ बेटी, यहां से भाग जाओ, भाग जाओ यहां से।
मत करो जुबैर बेटी, तुम अपने भाई को साथ लेकर यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाओ। दाऊद किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। और फिर आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने जो कुछ भी किया है अपने भाई को बचाने के लिए किया। लेकिन दाऊद, अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मान जाओ बेटी, अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सारा शहर जानता है कि दाऊद बेरहम भी है और कमी ना दी। सही बाबा, खुदा के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दाऊद से रहम की भीख मांगे। मेरी बात इंसान मानते हैं बहन, दरिंदा नहीं। और दाऊद इंसान के रूप में एक दरिंदा है। दाऊद से बचने के लिए जुबैदा बेटे को ये घर और ये शहर छोड़ना पड़ेगा, वरना दाऊद दाऊद उसे मार डालेगा। कहाँ जाएगी मेरी बेटी? जहाँ जुल्मत हो बेटी, वहाँ से इज्जत करना चाहिए। यही हमारे रसूल पाक का फरमान है। जाओ बेटी, देर न करो, दाऊद तुम्हारा मौत बनकर आ रहा होगा। सुनो, हमें रोकने की कोशिश मत करना सखी बाबा, वरना आज आपकी शख्सियत का भरम टूट जाएगा। बाबा, काली छोड़ दे मेरे बच्चों को, जलील कमीने छोड़ दे। जुबैदा मेरी बच्ची। तेरी वजह से मेरा भाई मौत की नींद सो गया। मर तो तूने भी जाना है दाऊद, तूने कौन सा आवे हयात पी रखा है। आज तू जान से गई। दाऊद, खुदा का खौफ कर, हश्र के मैदान से डर मालूम। आज इसे ही हश्र का मैदान समझ। दाऊद के भाई के खून के बदले तेरे खून से मौत की वो तहरीर लिखेगा, जिसे पढ़कर इज़राइल के माथे पर भी पसीना आ जाएगा। पकड़ लो इस बच्चे को, इसका खून भी इन लाशों पर गिरना चाहिए। अभी इसकी सांसें चल रही हैं, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो।
बच्चा मुसीबत में लगता है बादशाह, शक्ल से बड़ा फरोश लगते हैं बादशाह। जिंदगी चाहते हो तो यहां से चले जाओ। भाग्य तो बुजदिल है, बादशाह तो खुद मौत का दूसरा नाम है। बादशाह, बच्चा सांस ले रहा है, इसे ले आओ। करमदाद मियां, डीएसपी चंगेज खान थाने का चार्ज लेने आ रहा है। सुन चुका हूं, चंगेज खान आ रहा है। अब हमारे हराम खाने और आराम करने के दिन गए। दोस्तों, सुना है वो बड़ा ईमानदार है, ना रिश्वत लेता है और ना किसी को लेने देता है। खुद भी ड्यूटी करता है और अमले से भी ड्यूटी टका के करवाता है। तू जरा आराम खा खा के पाटना है ना, तेरे पीछे ने आने कुत्ता ला देने। अस्सलामुअलैकुम खान साहब। मेरा नाम खान नहीं, चंगेज खान है। आने वाले वक्तों में थानों से चौधरी, खान, ख्वाजे निकाल दिए जाएंगे। यहां सिर्फ अवाम की खिदमत करने वाले लोग आएंगे, जो काम के बदले में हराम नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं तो हराम खाने वाले पर मुसलसल लानत भेजता हूँ। सारी जिंदगी हलाल खाया है, कभी कोई झटका नहीं खाया। शट अप, रोज नाम चाहो रिपोर्ट रजिस्टर लेकर मेरे ऑफिस में आओ। अच्छा जी। ए रिश्वत खोर चुड़ैल के बच्चे, अगर ये सब कुछ अंदर चला गया तो हम बाहर क्या करेंगे? बात है करमदादी छीमो गढ़वी वाली ने आज ट्रैफिक में फिर खलल डाला और पब्लिक को बेहराम किया। ओ छोड़ दे इसे, अब एक नया अजाब अंदर और आ गया है, पता है तुझे? और डीएसपी वो जो चंगेज खान, जो उसने थाने का चार्ज संभाल लिया है। हाँ, ए लड़की भाग जा भाग जा। ए, आज को मैं तुम्हारे नए डीएसपी से मिलकर जाऊंगी, बताऊंगी उसको तुम सब लोगों के करतूत। बहुत भत्ता लिया है तुम लोगों ने, बहुत हराम खाया है। अब मार भी हम ही खाएंगे। सलाम नए डीएसपी साहब। क्या बात है, कौन हो तुम? शुक्र है आप इस थाने में लग गए, वरना हमारा तो जीना हराम कर दिया था इन पुलिस वालों ने। कौन तंग करता है तुम्हें? अपन का तो जीना हराम कर दिया था आपके मुलाजमों ने। जहां गड़ी बजाई, जहां आवाज लगाई, छत से पुलिस का फैलावा हाथ सामने आ जाता है। शराब बेचने वालों और अपना खून पसीना बेचने वालों से एक जैसी रिश्वत लेती है। खुदा के लिए साहब, इन पुलिस वालों के हाथ से बेगैरती का कासा लेकर तोड़ दे। अब मेरे इलाके में कोई रिश्वत नहीं लेगा। हवलदार, हवलदार। यस सर, यस सर। ये लड़की क्या कहती है? बस जी, इस तरह कहती रहती है। मेरा मतलब है, ये तीन वक्त की नमाजन और बड़ी नेक दिल खातून है, कोई शरीफ जादी है सर ये। साहब यकीन न करना, शेर सफेद झूठ बोल रहा है। हमेशा मुझे हराम जादी कह के बुलाता है, पैसे मांगता है मुझसे। आज आपके दर से बदल गया। आज के बाद अगर मुझे किसी मुलाजिम के बारे में आवाम से ये शिकायत मिली तो मैं सारे थाने की वर्दियां उतरवा दूंगा। तब आओ यहां से। नई वर्दी थी, पुरानी हो गई। ऐसे कह रहा। ओके सर। तुम्हें आइंदा कोई मुलाजिम तंग करे तो मुझे बताना। और कोई बात? साहब गाना सुनेंगे? पहले लोगों का रोना तो सुनूं, फुर्सत मिली तो तुम्हारा गाना भी सुनूंगा।
अब तुम जाओ। अच्छा साहब, सलाम। दाऊद सेठ, अब तो तुम्हें मिलना बहुत जरूरी हो गया है। जुबैदा के बाप का कत्ल, इसके पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। डीएसपी, अगर तुम ये सब कुछ जान चुके हो कि जुबैदा के बाप का कत्ल और जुबैदा को मौत के मुंह में मैंने धकेला है, तो बोलो अपना मुंह बंद रखने की क्या कीमत लोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों में कानून की हथकड़ियां पहनाना चाहता हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कानून के हाथ सोने की जंजीरों में बांध रखे हैं, और तुम मुझे लोहे की जंजीर पहनाओगे। इन हाथों को गौर से देख दाऊद सेठ, इन हाथों पर तेरे सोने की जंजीर का कोई भी निशान नहीं। मैं बहुत जल्द तुझे जुबैदा के बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। कौन गवाही देगा मेरे खिलाफ कि जुबैदा के बाप का कत्ल मैंने किया है? जुबैदा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज तुम्हारे लिए मौत की गवाही बन जाएगा। जुबैदा का बयान लेने से पहले उसके होश में आने का इंतजार करो डीएसपी, फिर मेरे दरवाजे पे दस्तक देना। मेरी एक बात गौर से सुनो दाऊद सेठ, जुबैदा को जिंदगी और तुझे मौत, ये मेरा चैलेंज है। डॉक्टर सेठ, जुबैदा बच जाएगी ना? ऑपरेशन कामयाब रहा है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जुबैदा को होश आ गई तो वो बच जाएगी। या अल्लाह, जिस तरह भी हो आज रात जुबैदा की जिंदगी का चिराग बुझ जाना चाहिए। वो अस्पताल से निकले तो एक लाश बनकर। आपके हुक्म पर अमल होगा सेठ दाऊद, आज रात अस्पताल का कमरा नंबर 307 जुबैदा के खून से संगीन हो जाएगा। कानून के हाथ जुल्म के हाथों से ज्यादा लंबे होते हैं काली, गिरफ्तार कर लो इसे। शायद तुम ये नहीं जानते कि दाऊद सेठ के हाथ तुम्हारे कानून से ज्यादा लंबे हैं। दाऊद को पता चल चुका है कि तुम मौत से बच गए हो, वो शिकारी कुत्ते की तरह तुम्हारे तलाश में है, यहां से तुम बहुत दूर चले जाओ बेटी। मैं कहां जाऊंगा?
रहा था। जहां रास्ते और किस्मत ले जाए, जाओ बेटी, देर न करो बेटी, जाओ जाओ। देगा तुम्हें वो अदालत तक। दाऊद सेठ जैसे अमन के दुश्मनों ने इस मुल्क की अदालतें, वकील और अमन खरीद लिया है। अगर अमन और सुकून चाहती हो ना तो छोड़ दो ये दुनिया, मर जाओ। ये तुझे सेठ दाऊद के कैसे नहीं बचा सकता। ये तो पांव से लेकर सर तक तालियां बजाने वाला हिजड़ा है, हिजड़ा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, खाइए। आओ वकील साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। मैं सेठ दाऊद का लीगल एडवाइजर हूं। आपने सेठ दाऊद के भाई काली को नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया है। ये काली की जमानत के कागजात हैं, चेक कर लें। अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है। हवालदार। यस सर। काली को छोड़ दो। बेहतर सर। मेरी जुल्म कहानी सुनकर खामोश क्यों हो गए? तूने इंसान बनकर मेरी फरियाद सुनी,
गैरतमंद बनकर मुझे जालिमों से बचाया, क्या अब वकील बनकर मेरा मुकदमा नहीं लड़ोगे? मैं अहद कर चुका हूं कि इस बेकानून दुनिया में कानून की बात कभी नहीं करूंगा, चाहे इंसाफ पे चाहे, चाहे इंसाफ मांगने वालों की फरियाद कोई ना सुने, जहां सच बोलने वालों की जुबान पर चुप का पहरा लगा दिया जाए, वहां 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 वकालत करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने वकील होते हुए कानून का साथ छोड़ दिया, कानून के दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दी मैंने। वकील साहब, अगर आप जैसे लोग कानून से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर मजलूम का साथ कौन देगा? प्यासा को इंसाफ कौन दिलाएगा? नहीं मिलता इंसाफ इन दलतों में किसी को, नहीं मिलता। हजारों लोग अपने घर बार बेचकर अदालतों के दरवाजे पर सिर्फ इंसाफ मांगने आते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, नहीं मिलता उन्हें इंसाफ। अगर मिलती है तो सिर्फ तारीख, दिन महीने और महीने सालों में बदलते रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वकील की जुबान पर सच, दिल में वतन की मोहब्बत और आंखों में इंसाफ छीनने की ताकत हो, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। वकील साहब, एक बार फिर ये काला कोट पहन लीजिए। मेरा ईमान है कि दुनिया की कोई भी अदालत आपको तारीख नहीं देगी, सिर्फ इंसाफ देगी, सिर्फ इंसाफ। आप मुल्क के बेहतरीन कानून दानों में से एक है मिस्टर अफजल। कानून समझता हूं, इसलिए जुबैदा को लेकर कानून के पास आ गया। जुबैदा पर सेठ दाऊद के भाई अब्दुल्ला के कत्ल का इल्जाम है, पुलिस को इस लड़की की तलाश है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुलजिमा को यहां ले आए, लेकिन आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जुबैदा के बाप को सेठ दाऊद और उसके आदमियों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अलग बात है कि आपको मजलूम दौलत की दीवार के पीछे दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए इस लड़के की तरफ जरा गौर से देखिए। देखिए, बाप की मौत, मां का पागलपन, भाई की जुदाई, कौन सा ऐसा जख्म है जो उसके दिल पे ना लगाओ। कहानी कुछ भी हो, मैं जुबैदा को अब्दुल्ला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो जी न्याय कीजिए। वैसे भी कानून लाखों पर हो या थानों में, उसे कौन रोक सकता है? आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक रिपोर्ट जुबैदा की तरफ से भी लिखी, जिसमें सेठ दाऊद को जुबैदा के बाप का कातिल नामजद किया जाए, और यह लिखा जाए कि जुबैदा को सेठ दाऊद से जान का खतरा है। आप ये अदालत में साबित कर सकेंगे कि कातिल सेठ दाऊद है और जुबैदा को उसकी तरफ से जान का खतरा है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा काम है, आप
रिपोर्ट लिखी है। सेठ दाऊद, अस्पताल से जान बचाकर भागी जुबैदा को बैरिस्टर अफजल ने कानूनी पनाह दे दी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। शायद वो ये नहीं जानता कि मेरे दोनों बाजू वो तराजू हैं जिसमें मौत दिन रात तोली जाती है। लगे से पहले मैं उस वकील को एक मौका जरूर दूंगा। कौन हो तुम और अंधेरे में क्यों बैठे हो? अंधेरे नगरी का बादशाह हूं, अंधेरे का कारोबार करता हूं और अंधेरों में ही जिंदगियों का फैसला सुनाता हूं। लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो, इसलिए कि यहां इल्म की रोशनी का कारोबार होता है। खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो? बात की तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी और तुम ना समझ बंद कर मेरी बात टाल दोगे। सिर्फ एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। इस शहर में चंद सांसें लेना चाहते हो तो जुबैदे का मुकदमा लड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। यहां हराने वाले को इंसाफ मिलेगा। इस घर में ना इंसाफी की कोई बात नहीं सुनी जाती। एक बेसहारा लड़की ने मुझसे जीने का हक मांगा है और मैं उसे जीने का हक उस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक जुबैदा तुम्हारी आंखों के सामने दम नहीं तोड़ देती। जिंदगी और मौत का फैसला अदालत में होगा दाऊद सेठ। हमारा तुमसे वादा है, जुबैदा को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। और मेरा तुमसे वादा है कि हम जुबैदा को मरने नहीं देंगे। जनाबे वाला, मुलजमा ने एक बेगुनाह को कत्ल किया है। मुलजमा ना किसी नरमी की मुस्तहिक है ना रहम की। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुलजमा को कत्ल जैसे संगीन जुर्म में सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। मुलजमा जुबैदा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? मैंने कुछ जुर्म नहीं किया साहब। मुलजमा झूठ बोल रही है मिलॉर्ड। बयान जारी रहे। मुझे कुछ नहीं कहना डॉक्टर साहब, कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है जनाबे वाला, मुझे बहुत कुछ कहना है। इसलिए कि मुजरिमों के कटहरे में लाई गई ये बेजुबान लड़की की जुबान जो कहना चाहती उसे सुनने का हौसला आप में है ना इन महान समाज में। इसलिए इस लड़की ने अपने होठों पर चुप का पत्थर रख लिया। लेकिन चुप का ये पत्थर जिस दिन हट गया, जिस दिन चुप रहने वाली जुबानों को बोलने की इजाजत मिल गई, उस दिन सच्चाई का सूरज सामने से बड़ा जाएगा। जैसा क्या मत आ जाएगी क्या मत जुल्म की चट्टान तले कुछ ली गई रूहों के लब जिस दिन खुल गए, उस दिन इंसान के बनाए कानून की किताब को आग लगा दी जाएगी। यहां आग लगा दी जाएगी, रहेगा तो सिर्फ खुदा की उतरी किताब का कानून। उसके लिए थोड़ी सी देर, थोड़ी सी मोहलत। मुलजमा जिस हादसे से दो चार होकर यहां पर आई है, उस हादसे ने मुलजमा को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। इसलिए मेरी फाजिल अदालत से यह दरखास्त है कि मुलजमा को अमूली तौर पर जेल भेज दिया जाए ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुलजमा बयान देने के काबिल हो सके। थैंक यू साहब। अदालत फाजिल वकील की दलील को दुरुस्त तस्लीम करती है और हुक्म देती है कि मुलजमा जुबैदा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल भेज दिया जाए और जब मुलजमा बयान देने के काबिल हो
तो इसे दोबारा अदालत में पेश किया जाए। सवाल मत करो, चुपचाप कुछ दिन जेल में गुजार लो। जा, जा। मेरे खौफ से ज़ुबैदा को जेल भिजवाया है या मेरे ज़ुल्म से वकालत भूल गए हो? नहीं लब, ज़ुबैदा को जेल भिजवाना मेरी चाल थी, लेकिन इस चाल में मात सिर्फ तुम्हारी होगी। शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। हाँ, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। ज़ुबैदा को जेल इसलिए भिजवाया है कि वो तुम्हारे जुल्म के लंबे हाथों से बच सके और मैं इसके केस की तैयारी कर सकूं, तैयारी कर सकूं। ज़ुबैदा का हर सांस मेरे लिए गाली बनकर रह गया। मैं उसे मारना चाहता हूं मगर वो हर बार बच जाती है। अब जेल से ज़ुबैदा की लाश ही निकलेगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है सेठ। जेल में आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जो हाथ ज़ुबैदा की मौत बनेंगे वो हाथ तुमने खरीद लिए हैं। सब कुछ खरीदा जा चुका है सेठ, जिंदगी भी और मौत भी। अफजल, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी। Thank you.
बचाने कोई आ नहीं गए। जुबैदा को बचाने कोई नहीं आएगा। तुम जाओ अपना काम करो। देख रही हो क्या चाहती हो? मुझे तेरी जान चाहिए, मैं तेरा खून पीना चाहती हूँ। समझ गई, किराए की कातला हो। दाऊद ने तुम्हें मेरी मौत का बयाना देकर भेजा है, लेकिन ये सोचकर वापस चली जाओ कि अगर मेरी मौत दाऊद के हाथों होती तो मैं कब की मर चुकी होती। तेरी मौत के फरिश्ते मैं अपने साथ लेकर आई हूं। हर गली, हर महल्ले, हर शहर में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी तुम्हें जिस काम के लिए भेजता हूं नाकाम करते हो। काली, तुम मेरा सहारा बनने के बजाय मेरे लिए बोझ बनते जा रहे हो। कहीं यह सुनाओ कि मुझे ये बोझ अपने कांधर फिर ना पड़े। डोंट से मैन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। जो शर्मिंदा हो वो दाऊद के साथ जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं क्योंकि तुम दाऊद के पुराने वफादार हो। दूध पी लीजिए सर। कुमल, इलाका गैर हमारे दोस्त गुलरेज खान को फोन मिलाओ। ओके बॉस। हेलो बॉस, बात कीजिए। गुलरेज खान, सेठ दाऊद बात कर रहा हूं। हाँ सेठ दाऊद, कैसे हो? सब ठीक है ना? सब खैरियत होती तो तुम्हें क्यों फोन करता? मुझे एक ऐसा मफरूर चाहिए जिसका नाम मौत हो, इंसानों को कत्ल करना उसकी पुरानी आदत हो। तो मैं तुम्हारे पास एक ऐसे गरीबे को भेज रहा है जो काम का ही नहीं नाम का भी चीता है। वो इंसानों का खून ही नहीं पीता, उनका गोश्त भी खा जाता है। चीता? चीते से कहो कि वो उड़ता हुआ सेठ दाऊद के पास पहुंचाए।
तुम्हारा इनाम हो सकता है। इतना लंबा सफर तुमने इतने कम वक्त में तय किया, तुम्हें देखकर दाऊद सेठ को यकीन हो गया है कि तुम एक खून तो क्या खून का दरिया बहा सकते हो। सिर्फ ये बताओ दाऊद सेठ कि मैंने खून किसका पीना है। इस तस्वीर को गौर से देखो, खून की एक एक बूंद इसके जिस्म से निकालकर लाज बराबर से जिंदगी की
हम तुम्हारा साथी है, ये बेकार कब से बन गए? बेकार ही समझकर एक बेटी की जिंदगी इस जुरी में डालते बेटा। मैं अपने भाई की लाश कब्र में डाल चुका हूं, तो पैदा की जिंदगी तुम्हारी झोली में कैसे डालूं? माफ करना भी तो अफजल है बेटा, यही इस्लाम कहता है। खून का बदला खून, यही तो इस्लाम कहता है। हाँ कहता है, लेकिन अदाकारी की कौर को याद रखना, जितना खून तुम्हारे भाई का जमीन पर गिरा है इतने खून जुबेदा का गिरना चाहिए। अगर जुबेदा का एक कतरा खून ज्यादा गिरा तो क्यामत के रोज जुबेदा का हाथ होगा और तुम्हारा ग्रेबन। मैं जुबेदा के खून की बारिश अपने भाई की कब्र में करूंगा, अहमद आती है तो आ जाए। नशा मेरे चेहरे पे हुस्न की गरूर का, रंग मेरे नैनों में जवानी की सरूर का।
जवानी की जरूरत देखकर मैं हैरान नहीं हुआ, इसलिए कि बदी को खत्म करने के लिए वक्त लगता है। वक्त ने तुझे जितने दिन जिंदा रखना था रख लिया, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। हम दोनों में से किसका खून आज जमीन पर गिरेगा, इसका फैसला भी आज वक्त ही करेगा। Thank you.
अच्छी खबर है, अगर अभी पत्थर के कुछ टुकड़े मेरे रास्ते में बिखरे हुए हैं, जुबैदा और सनिया भी जिंदा हैं। जब तक चीता जिंदा है तुम्हारा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा। बहुत जल्द उनकी मां की खबर सुन लोगे। आज जुबैदा को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। जुबैदा की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम पर है। तुम सब कोर्ट के बाहर दाऊद के आदमियों पर कड़ी नजर रखना। मैं आज दाऊद को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। उसे जेल से अदालत में लाया जाएगा। मैं चाहता हूं जो चाहते हो कहो सेठ, चीता उसे पूरा करेगा। जुबैदा को अदालत तक पहुंचने से पहले आसमान पर पहुंचा दो। ऐसा ही होगा सेठ। और जुबैदा इंसानों की नहीं चीते की अदालत में पेश होगी। और चीते की अदालत में सिर्फ मौत है। Thank you.
जी। सनी, सनी। ले चलो इन्हें। छोड़ दो, छोड़ो इसे, छोड़ो। सनी, छोड़ दो, छोड़ो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। सिर्फ दूत के आते। मैं तुम दोनों को उस वक्त तक जिंदा रखूंगा जब तक दाऊद सेठ नहीं आ जाता। आज की जात जिंदगी को जी भर कर देख लो। सुबह तुम्हारी मौत का फैसला दाऊद सेठ का सुना है। काली, जिंदगी और मौत के फैसले तो लिखे जा चुके हैं। हो सकता है सुबह का सूरज दाऊद और तुम्हारी मौत का परवाना जारी कर दे। दाऊद ने जितना जीना था जी लिया। जितना दो बंद कर दो। जबैद और सनी को वो काफिर के बच्चे उठाकर ले गए हैं। लेकिन उनकी रिहाई के लिए वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तबले की ताल पर गुंगलों की छिड़काव पर नदी किनारे नदी किनारे नदी किनारे नदी किनारे किसी ने कर रहा हूं। क्या मेरी बात सुनो। हमारे गोदाम के सामने मजबा लगाए नाच रही थी। मैंने इसे कहा भाग जाओ यहाँ से, ये इलाका काली का है। और इस हराम दादी ने आगे से कहा कि मैं किसी काली वाली को नहीं जानती। ये हराम दादी तो नहीं लगती, ये तो सर से पांव तक शहजादी लगती है। शहजादी, शहजादी कह के खुश कर दिया आपने। गाना सुनोगे साहब? गाना भी सुनूंगा और आज रात तुझे कुछ भी कर तूने लूटा मुझे ऐसे तूने लूटा।
ओहो, कोई सवाल मत करो, प्लीज जल्दी से निकलने की कोशिश करो, चलो प्लीज। इन छोटी छोटी दीवारों को तो तुम गिरा सकती हो, लोहे के इस पहाड़ को तोड़ना ना तुम्हारे बस में है और ना ही उस वकील के बस में। वो वक्त आ गया है दरिंदे, वकील के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज तुम सबको फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगा। मेरा नाम मौत है और मौत को कभी मौत नहीं आ सकती। मजलूम की फरियाद सुनकर मौत का फरिश्ता किस वक्त भी तुम्हारी शहादत तक पहुंच सकता है। क़यामत से पहले क़यामत आ गई चीता, अब तुझे इस दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, आ जा। देख चीता, यही बादशाह के बादशाह होने की दलील है कि वो तुझे जिंदा छोड़ के जा रहा है। चलो तुम लोग। बादशाह ये गंध मका हो, अदालत की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर मौत बनकर खड़े हो जाओ। अगर आज भी वो जिंदा बच गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज जुबैदा की जिंदगी का आखिरी दिन है दाऊद सेठ। मैं अपने वकील अफजल से मिले बगैर अदालत तक कैसे जा सकती। सीता जिसकी मौत का बयाना पकड़ ले वो अदालत तक नहीं सिर्फ कमरे में जा सकती है। जब तक सुबैदा का वकील जिंदा है सुबैदा को मौत नहीं आ सकती। Oh,
पीछे पीछे चूरवा ओए पागल दे पुत्तर जा जाके जुमा शुमा पाल मैं तो ट्रक ना तेल बदलवा के आया तू मैंने मारना आया चला इसे मेरी की चोर में मैंने थलियों जुखनी कर गए चला उजला की चोर में रास्ते पर मैंने मौत खड़ी कर दी है कैसे पहुंचोगी अदालत तक तुम जुबैदा की तरफ जितनी मौत बिखेर सकते हो बिखेर लो मैं आज जुबैदा को अदालत से जीने का हक दिलवा के रहूंगा अदालत तक पहुंचने से पहले हम तुम्हारी जुबान काट देंगे जिससे तुम जुबैदा के लिए जिंदगी मांग रहे हो
मौलाना जुबैदा को अदालत में पेश किया जाए। जनाबे वाला, मुलजिमा का कोई पता नहीं कि वो कहां है। इसके अलावा वकील सफाई भी अदालत से गैर हाजिर है। अदालत इंतजार नहीं कर सकती। अगर मुलजिमा जुबैदा अदालत में हाजिर न हुई तो ये तरफा कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का फैसला खामोशी से सुना जाए। चाहिए जज साहब, चाहिए चाहिए जज साहब। तुम दोनों खून में डूबे हुए कहां से आए हो? जुल्म की बस्ती से गुजर कराने वालों का यही हाल होता है जज साहब। कभी चोट दिल पर लगती, कभी खून जिस्मों से टपकता है। के ये वही लड़की है योहाना, ये वही लड़की है जिसे घसीट घसीट कर मारा गया, लेकिन ये हर बार बच गई, हर बार बच गई। शिकार से देखिए, ये हमारे माशरे की वो बेटी जिसके हाथों पर मेहंदी के बजाय खून चम गया है। शिकार से देखिए जैसा अपनी अपनी आंखों में आंसुओं का सैलाब सजाए, कैसे चुप करी। जरा गौर से देखिए जिंदा लाश को, ये इंसाफ की तलाश में निकली तो कानून की जंजीरें मिली। मैं इसका सहारा बना तो दाऊद के हाथ तलवार बनकर मेरे बाजू काट दिया गए। ये बेगुनाह है जज साहब, ये बेगुनाह है, इसलिए मैं इसे आपके सामने लेके आया हूं। अब आप इसे मार दें या जिंदगी की गोद में डाल दें, फैसला आपने करना है योहाना, आपने करना है फैसला, फैसला आपने करना है योहाना। इंसाफ को सबूत की जरूरत होती है मिस्टर अफसर, लिहाजा कोई जमान ऐसी हो जिस पे इंसाफ को यकीन आ जाए, या फिर कोई सबूत ऐसा हो जो मुलजमा को बेगुनाह साबित कर सके। साहब, इंसाफ को जुबैदा की बेगुनाही का सबूत इस मासूम बच्चे की जबान देगी। लेकिन बच्चे की गवाही इस सबूत के लिए काफी नहीं मिला। अगर एक खंजर किसी की मौत के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है तो फिर एक मासूम बच्चे की गवाही भी मानी जा सकती है। बच्चे का बयान लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। आओ बेटा, बोल बेटा। जैसा आपको बताओ, किसे दाऊद के भाई को किसने मारा है? वह मुझे मारना चाहता था, वादी ने मुझे बचाने के लिए उसका वार रोका, वो अपने ही जोर से मुझे से टकरा कर मर गया। ये सबूत काफी नहीं है जनाबे वाला। और यही सच है, और यही सच अदालत के लिए काफी। अदालतों में तो झूठों की जुबान पर यकीन करके फैसले कर दिए जाते, अरे इसमें तो नन्हे से फरिश्ते की गवाही शामिल है, और नन्हे फरिश्ते की गवाही तो खुदा नहीं डाल सकता। आप कैसे नहीं मानेंगे? आपको मानना होगा, आपको मानना होगा, आपको मानना होगा कि सुबैदा का इस कसर से कोई ताल्लुक नहीं। आपको मानना होगा जज्जा, इसलिए मेरी फाजिल अदालत से यह दरखास्त है कि सुबैदा के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए जज्जा, इंसाफ किया जाए। थैंक यू। वकला की बहस और इस नन्हे फरिश्ते की गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिमा जुबैदा को बाइज्जत बरी करती है।
अदालत ने जुबैदा को बरी तो कर दिया, लेकिन हमारी अदालत में जुबैदा को सजाए मौत होगी। सजाए मौत? मैंने जुबैदा को उस अदालत से भी बचा लिया था, और आज तेरे जुल्म की इस अदालत से भी बचा लूंगा जरूर। इस अदालत से तुम जुबैदा को बरी नहीं करवा सकते, इसलिए कि हमने जुबैदा के चारों तरफ मौत के फरिश्ते खड़े कर दिए। तुम मौत की दीवार आसमान तक ले जाओ, लेकिन इंसाफ सूरज की किरण बनकर तुम्हारी शरण तक